छोटी लड़की ने अभी अभी सड़ा हुआ चिकन खा लिया, अगले दिन वो जॉम्बी वायरस से संक्रमित हो गई। बदमाश जैक उसकी चोटी पकड़कर खींचने लगता है, लेकिन जब उसने उसकी चोटी खींचने की कोशिश की तो लड़की की खोपड़ी चोटी के साथ हाथ में आ जाती है। इतने में लड़की भी सबको नोचने लगी। उसने जैक को इतनी जोर से खरोंचा कि वो चिल्ला पड़ा। सौभाग्य से शिक्षक ने लड़की को भागने से रोक लिया, लेकिन जैक का दोस्त इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। वो सीधे लड़की के पास उसे सबक सिखाने के लिए पहुंच गया, लेकिन लड़की ने उसके चेहरे पर खरोंच मार दी और जब वो लड़का पूरी तरह से संक्रमित हो गया तो वो खेल के मैदान में दौड़ने लगता है और सभी को खरोंच मारकर सभी में वायरस फैला देता है जिसे रोका नहीं जा सकता है। स्कूल के सुरक्षा गार्ड को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत डायरेक्टर को बुलाया। उसने सोचा कि बच्चे हमेशा की तरह शैतानी कर रहे हैं। उन्होंने सबको अपनी कक्षाओं में लौटने का आदेश दिया, लेकिन कुछ ही समय के भीतर उन्हें बच्चों ने घेर लिया था। फिर वो दोपहर का भोजन बन गए। वहीं जिम टीचर को भी एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि बच्चों ने उन्हें घेर लिया था। उसने उन्हें 100 बार होमवर्क की नकल करने के लिए धमकाने की कोशिश की, लेकिन उनकी नजर में जिम टीचर एक हैमबर्गर में बदल गया था। धमकी का असर न होता देख वो आदमी जल्दी से भागने लगता है। वो उन्हें पीछे छोड़ने और स्कूल की इमारत में छिपने में कामयाब रहा। इस दौरान बिल्डिंग में मौजूद शिक्षकों ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। जो भी वायरस फैल गया है वे मदद के लिए फोन करने लगते हैं, लेकिन बच्चे ने पहले ही फोन लाइन काट दी थी। सौभाग्य से एक पुलिस वाले ने शोर सुना, वो स्कूल के गेट पर आ जाता है। ये देख सभी शिक्षकों को कुछ उम्मीद की किरण दिखने लगती है।